पापा से मैंने सुबह सुबह बोला कि पापा एक कार ले लेते हैं, बड़े आराम से घूमेंगे, गर्मी हो रही है। तो पापा ने बताया क्या कहा, बोला कि बेटा सपने तुम्हारे कार के और लक्षण तुम्हारे बेकार के। इस बात का बॉलीवुड के पंचनामे से कोई लेना देना नहीं है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं अभिषेक, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर, इस शो पर जिसका नाम है बॉलीवुड का पंचनामा, यानी कि पांच खबरों के बारे में बात करेंगे। जैसे कि रेस 3 की फिरकी अब मुंबई पुलिस ने ले ली है, अब जैसे कि आमिर रणबीर का किरदार छीनना चाहते थे, अब करिश्मा जानबूझ के जताने की कोशिश कर रही हैं कि वो संदीप को नहीं जानती है, एयरपोर्ट पर अलग अलग चल रही थी, ऐसी बहुत सारी खबरें हैं, इन सब के बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबर नंबर 1 के साथ। पंचनामे की सबसे पहली खबर सलमान से शुरू करते हैं। अब आप कहेंगे सलमान कोई लड़का छोड़ता नहीं है, मैं क्या करूं, वो इतने ट्रोल हो जाते हैं, उनकी फिल्में ट्रोल होती है, मैं तो बस खबर निकाल के लाता हूँ जी। अभी कुछ टाइम पहले डेजी शाह ट्रोल हुई थी जब उन्होंने फिल्म में डायलॉग दिया कि माय बिजनेस इज माय बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस। अब इसी बात को लेकर मुंबई पुलिस ने रेस 3 की फिरकी ले ली है। जी हाँ, मुंबई पुलिस के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक मीम शेयर किया गया जिसमें डेजी शाह दिख रही हैं, और मुंबई पुलिस ने कहा है कि जब आपसे आपकी कोई पर्सनल डिटेल मांगे तो उसे बोलो कि माय डेटा इज माय डेटा, नन योर डेटा। मतलब मुंबई पुलिस ने एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि रेस 3 को प्रमोट ही कर दिया है। पर एक चीज मुझे जो यहां पर लगी वो ये कि सलमान अपनी फिल्मों में लॉजिक नहीं रखते हैं, लेकिन सलमान की फिल्मों से लॉजिक निकालकर मुंबई पुलिस ने एक बहुत ही बेहतरीन मैसेज दिया है। खबर नंबर 2। भाई जो 90s के किड होते हैं, यानी कि हम जो 90 के दशक में पैदा हुए होते हैं, हमारे पास बहुत सारी इंटरेस्टिंग यादें होती है, जैसे कि निर्मा गर्ल वॉशिंग पाउडर ने बवाली। अब जरा इस तस्वीर को आप देखते रहिए, ये स्वरा भास्कर हैं। खबर क्या है ये आप सुनते रहिए, तस्वीर को देखते देखते। करीना कपूर, शिखा तलसानिया, सोनम कपूर और स्वरा भास्कर अपनी फिल्म वीरे की वेडिंग को हाल ही में प्रमोट करने पहुंची थी। अब कायदे से देखा जाए तो बात तो चर्चाओं में तो रहना चाहिए था करीना कपूर को और सोनम कपूर को, लेकिन ये चर्चाओं में नहीं है। इन तीनों को साइड करके चौथे नंबर की लड़की यानी कि स्वरा भास्कर चर्चाओं में है, क्योंकि उन्होंने ये ड्रेस पहनी है। अब इस ड्रेस को देखिए और निर्मा गर्ल को देखिए। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कह रहे हैं सोशल मीडिया यूजर। ये वो यूजर हैं जो शायद कुछ लूजर होते हैं, दिन भर कुछ करने को होता नहीं है भाई साहब, ढूंढ ढूंढ के इंटरेस्टिंग बात निकाल लेते हैं। ऐसी एक बात निकाल ली और इन्होंने स्ट्रेस की वजह से कर दिया है स्वरा भास्कर को ट्रोल। बहुत गलत बात है, लेकिन स्वरा लग तो वैसी रही है। खबर नंबर 3। भाई साहब एक वक्त था जब करिश्मा कपूर की दीवानगी जो थी ना लोगों में इतनी भयंकर वाली थी, मेरे में भी थी। मैं जब छोटा बच्चा था टीवी में करिश्मा कपूर को देखता था, राजा हिंदुस्तानी देखता था, तो माशाल्लाह लगता था कि यार एक बार ना बस करिश्मा से मिलने का मौका मिल जाए। हालांकि करिश्मा इन दिनों चर्चाओं में फिल्मों की वजह से नहीं रहती हैं, या तो कहीं स्पॉट होती हैं, या करीना के साथ घूमने जाती हैं, या पार्टी करती हैं, या सबसे बड़ा रीजन है इनका बॉयफ्रेंड। जी हाँ, करिश्मा अपने तलाक के बाद आजकल अपने बॉयफ्रेंड संदीप तोशनीवाल के साथ घूम रही हैं, हाल ही में स्पॉट की गई। पर देखिए करिश्मा ने कैसे हम सबको मूर्ख समझने की गलती की है। जैसे ही कैमरे पहुंचे करिश्मा और संदीप के पास, ये दोनों अलग होकर चलने लगे। बताओ मतलब हम क्या पागल दिख रहे हैं करिश्मा आपको, हमें आपके बारे में पता नहीं है। ठीक है आप लोगों का रिलेशन में आप लोग एक्सेप्ट नहीं करते हो, पर हम मूर्ख नहीं है। मतलब कैमरे आए तो एक आगे चलने लगा, एक पीछे चलने लगा। ठीक उसी तरीके से है जैसे आप ऑफिस में बैठ के फेसबुक चलाते हो, अचानक से आपका बॉस आता है और आप अपना वो फेसबुक बंद कर देते हो, आपको लगता है कि आपने बड़े स्मार्टली अपने बॉस को सी बना दिया। होता नहीं ऐसा। खबर नंबर 4। भाई इन दिनों फिटनेस चैलेंज चल रहा है। जी हाँ, टीवी सीरियल आता है भाभी जी घर पर हैं। इसकी जो दो भाभियां हैं, हर किसी की चहेती भाभी हैं, लेकिन जब भाभी को मिल गया फिटनेस चैलेंज तो जनाब इन्होंने कमाल कर दिया। और ये फिटनेस चैलेंज किसी और ने नहीं बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री किरण रिजिजू साहब ने दिया, और भाभी जी ने यानी कि सौम्या टंडन ने इसे पूरा भी किया। देख लो जनाब। दरअसल इस फिटनेस चैलेंज की शुरुआत खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह साहब ने की थी, और उन्होंने हैशटैग दिया हम फिट तो इंडिया फिट। उन्होंने आगे फॉरवर्ड किया, आगे फॉरवर्ड होते होते ये पहुंचा भाभी जी तक, भाभी जी ने इसे पूरा किया। हालांकि हाल ही में इसे विराट कोहली ने भी पूरा किया, और ये चैलेंज आगे उन्होंने पता है इसे बढ़ा दिया, किसी और को नहीं, उन्होंने देश के सबसे खास इंसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को चैलेंज दिया। अब देखते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब इस पर क्या करते हैं। बाकी तो भारत माता की
जय। खबर नंबर 5। हर साल बॉलीवुड में बहुत सारे कलाकार एंट्री मारते हैं, लेकिन सबको चिंता ये होती है कि जब तक ये खान्स जो हैं, यानी कि आमिर, शाहरुख, सलमान, ये लोग जगह छोड़ेंगे नहीं, तब तक इनकी फिल्में चलेंगी कैसे और इनको बड़ी फिल्में मिलेंगी कैसे। कुछ ऐसा ही वाकया हो जाता रणबीर कपूर के साथ भी। हुआ दरअसल यूं था कि भाई साहब जो राजकुमार हिरानी है वो पहुंचे थे संजू की स्क्रिप्ट लेकर आमिर के पास। हालांकि राजकुमार हिरानी चाहते थे कि आमिर रणबीर कपूर के पिता की भूमिका निभाएं, लेकिन आमिर भाई साहब को चुन मची थी। आमिर ने सीधे कह दिया कि देखो ऐसा है, मेरे को तो लीड रोल चाहिए। अब राजकुमार हिरानी ने कहा कि देखिए हमने रणबीर को फाइनल कर लिया है, रणबीर हर तरीके से जो 6 तरीके के किरदार हैं संजय के वो सब निभा पाएंगे, उनकी बॉडी लैंग्वेज वो सारी चीज़ें वैसी हैं। पर आमिर ने आखिर इस फिल्म को मना कर ही दिया, उन्होंने कह दिया कि मैं पिता की भूमिका नहीं निभाऊंगा। हालांकि उन्होंने इसे लीपा पोती करने के लिए बहुत तारीफ की रणबीर की कि हाँ संजू का ट्रिगर बहुत अच्छा है, ये है वो है, लेकिन समझने वाली बात है भाई साहब, बच्चों को मौका कब दोगे, ये बच्चे लाइन में जो लगे हैं आगे कब आएंगे और कब बड़ी फिल्में अपने हाथ में लेकर जाएंगे। सीधी सी बात है, इनसिक्योरिटी तो बनती है चाहे सलमान हो, आमिर हो या फिर शाहरुख खान हो। फिलहाल ये है इस दिन की, आज की बॉलीवुड के पंचनामे की 5 खबरें। आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ, कुछ नए ट्रोल्स के साथ, नए मीम्स के साथ। अभी के लिए इतना ही, टाटा, अलविदा, बाय बाय।